आजकल ज्यादातर लोग कम काम करते हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे तो यह सेहतमंद होगा। इस शरीर का इस्तेमाल करके ही आप इसे अच्छा रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर होता जाएगा। एक युवा डॉक्टर था। वो एक सीनियर डॉक्टर के पास गया और बोला कि उसे एक मरीज के रोग का पता लगाने में परेशानी हो रही है। तब सीनियर डॉक्टर ने कहा, ओ बेचैनी और उल्टियां? हां, लेकिन मुझे कोई मेडिकल कारण नहीं नजर आ रहा उसे बेचैनी और उल्टी होने का। तो सीनियर डॉक्टर ने सुझाव दिया, उससे पूछिए कि क्या वो गोल्फ खेलता है। अगर वो खेलता है तो उसे छोड़ देने के लिए कहिए, अगर नहीं खेलता तो खेलने के लिए कहिए, वो ठीक हो जाएगा। सेहत ऐसी ही है वाकई। कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है। आजकल ज्यादातर लोग कम काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है। अगर आप इस धरती पर 200 साल पहले होते, फिजिकली यू वुड बी डूइंग एट लीस्ट 20 टाइम्स मोर एक्टिविटी देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो शारीरिक रूप से कम आज से 20 गुना ज्यादा काम करते। शारीरिक काम निश्चित रूप से है ना। आप यहां चलकर आते, आप सब कुछ अपने हाथों से करते, आप कम से कम 20 गुना ज्यादा काम करते। मुझे लगता है मैं कम कह रहा हूं, शायद 100 गुना ज्यादा। आप में से कुछ लोग 250 गुना ज्यादा। तो अगर आप उतना काम कर रहे होते तो मैं कहता, ब्रेक लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। फिलहाल तो शरीर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इस शरीर का इस्तेमाल करके ही इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। जब आप सेहत कहते हैं तो आप शारीरिक सेहत की बात करते हैं। आपको इस शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही बेहतर होता जाता है। कुछ साल पहले जब यहां बहुत कम लोग थे, मैं उन्हें ट्रैकिंग पर ले गया। तो जब हम चल रहे थे, उससे लगभग 6 हफ्ते पहले एक नेवी का हेलीकॉप्टर मैंगलोर से उड़ा और मैंने उसके बारे में कहानियां सुनी थी। पता नहीं वो कितनी सच है। लोग कहते हैं कि उसमें कुछ जरूरी कागजात वगैरह थे। उस हेलीकॉप्टर पर 3 सीनियर ऑफिसर और एक पायलट था। हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया। वो जंगल बहुत ही घना था। पश्चिम घाट के जंगल बहुत ही ज्यादा घने हैं और 6 हफ्ते बाद भी उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिला था। तो सेना की एक पूरी बटालियन को वहां तैनात किया गया, जो पूरे जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस हेलीकॉप्टर की तलाश कर रहे थे, ताकि वहां जो भी उन्हें ढूंढना था वो ढूंढ निकालें। तो वहां हथियार के साथ सैनिक की एक पूरी बटालियन थी। शायद 200 से 250 लोग थे और वो जंगलों में घूम रहे थे। वो 6 हफ्तों से वहीं थे। तो जब हम वहां पहुंचे, हमें खाना पकाने में परेशानी हो रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी और हम पूरा दिन चलकर पहुंचे थे। फिर हम इस सेना के कैंप में पहुंचे और खुद ही बिन बुलाए मेहमान बन गए क्योंकि खाने की खुशबू अच्छी थी। और आप भोजन की कीमत वाकई तभी समझते हैं जब आप अपने शरीर का उस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप एक दिन में 20-30 किलोमीटर चलें और आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया हो, तब आप भोजन की कीमत समझते हैं। तो हम वहां पहुंचे और ये अफसर बहुत ही उदार थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें देखकर बहुत ही खुश हुए। वो वहां के कैप्टन थे और वहां एक सैनिक खड़ा था, उन्हें भारत सेना में हवलदार कहते हैं। क्या कहते हैं? हवलदार। तो उसने हमें देखकर पूछा, आप पैदल क्यों चल रहे हैं? हमने कहा, बस ऐसे ही, हम चलना चाहते हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ। बस ऐसे ही, हम यहां 6 हफ्तों से हैं, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब यह काम खत्म होगा। हर दिन हमें 20-30 किलोमीटर चलकर इस हेलीकॉप्टर को ढूंढना पड़ता है जो हमें मिल नहीं रहा, और आप बस मजे के लिए चल रहे हैं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बस मजे के लिए पैदल चले? पैरों में छाले हो गए हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो ये नहीं समझता कि सेना में जो काम वो जबरदस्ती कर रहा है, उसकी वजह से उसकी सेहत इतनी अच्छी है। हाँ, वो ये नहीं समझता। तो सेहत, सेहत के बारे में सबसे सरल चीज है, बस शरीर का इस्तेमाल करना। अगर आप शरीर का पर्याप्त इस्तेमाल करें तो शरीर में खुद को सेहतमंद बनाने के लिए हर चीज मौजूद है। क्या इसका मतलब है, क्या यही सब कुछ है? मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा? मैं कहूंगा, अगर हम शारीरिक रूप से अपने शरीर का उतना इस्तेमाल करें जितना हमें करना चाहिए, तो इस धरती की 80% बीमारियां बस गायब हो जाएंगी। 80%। बाकी की 20% में 10% उस भोजन की वजह से हैं जो लोग खा रहे हैं। अगर आप भोजन बदल दें तो बीमारियां 10% और कम हो जाएंगी। मतलब सिर्फ 10% बीमारियां बचेंगी जो कई अलग अलग कारणों से हुई हैं। एक है कर्म, दूसरा वातावरण हो सकता है, और सिस्टम में अन्य चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है। सभी बीमार लोगों में से अगर 90% सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करने और सही खाना खाने से ठीक हो जाएं, तो 10% को आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल बीमारी की मात्रा इतनी बड़ी है क्योंकि हम अच्छे से नहीं खाते, या हम बहुत अच्छे से खाते हैं और शरीर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके अलावा जीवन के अन्य पहलू हैं। सरल शब्दों में कहें तो जैसे आप शरीर की कसरत करते हैं, अगर आप बस ऐसा करें एक दिन में 1000 बार, बस एक दिन में 1000 बार ऐसा करें, और एक महीने के बाद देखिए कि आपका हाथ कितने अच्छे से काम करता है। और कुछ नहीं, बस यहां बैठकर दिन में 1000 बार ऐसा करें। 30 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप ऐसा अपने दिमाग के साथ करें, तो ये 1 महीने में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप ऐसा अपने दिल के साथ करें तो ये अच्छे से काम करेगा। अगर आप ये अपनी जीवन ऊर्जाओं के साथ करें तो ये अच्छे से काम करेंगी। जब ये सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं तो यही सेहत है। तो आपको बस अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना है। अगर इन 3 चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित हैं, तो आप सेहतमंद होंगे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, ये बहुत पुरानी बात है, ये दूसरा या तीसरा भाव स्पंदन कार्यक्रम था जो मैं करवा रहा था, और ये एक छोटी सी जगह में था जहां आपको बहुत सी बार
सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं, क्योंकि व्यवस्था ही वैसी थी। मैंने उस दिन गिना, मैं शिक्षक था पर मुझे रसोई को संभालना था और भी कुछ चीजें। मैं उस दिन सीढ़ियों पर 125 बार ऊपर नीचे गया और भावस्पंदन के बाद मैंने काफी सेहतमंद महसूस किया। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग जिन्होंने भावस्पंदन कार्यक्रम में वॉलंटियर किया है वो बहुत शक्तिशाली और सेहतमंद हो गए हैं। अचानक से काम करने पर आप थक सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में काम धीरे धीरे बढ़ाएं, शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, अगर आप ये सभी काम करें तो सेहत आएगी। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी ऊर्जा दोनों को सहारा दे रही है। ये सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यही सेहत है। जीवन पूरे प्रभाव में चल रहा है, यही सेहत है। सेहत कोई आइडिया नहीं है, ये कोई मेडिकल आइडिया नहीं है। मेडिकल क्षेत्र के लोग और मेडिकल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत सी अस्वस्थ जीवन शैलियां बनाई हैं। दुनिया में इससे पहले कभी भी दवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी आज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बैठकर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। 100 साल पहले जितना काम 60 साल का आदमी करता था उतना काम आज 20 साल का आदमी नहीं कर पाता। इसका मतलब है हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं, हम एक विकृत मानवता बन जाएंगे कुछ समय के बाद। तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप आविष्कार करते हैं, सेहत आपका आइडिया नहीं है। जीवन का अच्छे से चलना ही सेहत है। जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, यही सेहत है। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे तो यह सेहतमंद होगा।